हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु मैम विद यू। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन दीज क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी जो बुक रीडिंग है वो शुरू करते हैं। इसके लिए हमने इजी वे में सबसे पहले पढ़ाने के लिए पनोरमा बुक ली है। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो है द टाइगर किंग। टाइगर किंग, ये लिखा हुआ है टाइगर किंग। टाइगर किंग का मतलब होता है बाघ राजा। तो देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है ये है बाघ राजा। अब हम इसे शुरू करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम के जो राजा थे वो इस कहानी के नायक हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल। उन्हें इन नामों से भी पहचाना जाता है, जैसे महाराजा जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्य व्याघ्रा समाहारी और महाराजाधिराज विश्व भुवना सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MADACTC और CRCK। उन्हें इन विभिन्न नामों से जाना जाता है। बट लेकिन दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड। लेकिन इन सभी नामों का एक छोटा रूप बना दिया गया है टू द टाइगर किंग, और वो छोटा रूप है टाइगर किंग यानी बाघ राजा। आई हैव कम फॉरवर्ड, मैं अब आगे बढ़ता हूँ, टू टेल यू, तुम्हें यह बताने के लिए, व्हाई ही केम टू बी नाउन एज टाइगर किंग, कि आखिर वो क्या कारण था जिसकी वजह से उन्हें बाघ राजा कहा गया। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रटेंडिंग। देखिए, आई हैव नो इंटेंशन, अब यहाँ पे ये जो इंटेंशन वर्ड दिया गया है ये रहा इंटेंशन वर्ड, इसका अर्थ है मनोभाव। तो इसका अर्थ हुआ मनोभाव। आई हैव नो इंटेंशन, मेरे पास ऐसा कोई मनोभाव नहीं है ऑफ प्रटेंडिंग। देखिए, ये जो प्रटेंडिंग वर्ड है इसका अर्थ होता है बहाने बनाना। तो इसका मतलब हो गया कि मेरे पास यहाँ पे बहाने बनाने का कोई मनोभाव नहीं है। एडवांस, पहले से ही, ओनली टू एंड, अंत तक, इन ए स्ट्रेटजिक विदड्रॉल, एक तकनीकी रूप से बाहर निकलने के लिए। देखिए, ये जो स्ट्रेटजिक है इसका मतलब होता है तकनीकी रूप से, और विदड्रॉल का मतलब होता है बाहर निकलने के लिए। तो मेरे पास इससे बाहर निकलने का कोई तकनीकी इरादा नहीं है। इवन द थ्रीट ऑफ ए स्तूका बॉम्बर, यहाँ तक कि यदि कोई स्तूक जो बम बरसाने वाला होता है वो भी यदि विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, अगर वो कोई बम बरसाने वाला स्तूक भी आ जाए तो वो भी मुझे मेरे रास्ते से विचलित नहीं कर सकता है। द स्तूक, जो स्तूक है, इफ इट लाइक्स, यदि वह पसंद करे, कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, तो वह ही अपने रास्ते से वापस लौट सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। राइट एट द स्टार्ट, शुरू से ही, इट इज इम्पेरेटिव, यह आवश्यक है, टू डिस्क्लोज ए मैटर, एक यह मामला सामने लाने के लिए, ऑफ विटल इम्पोर्टेंस, मतलब इस मामले को सामने लाने की एक सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, कि अबाउट द टाइगर किंग, कि आखिर ये बाघ राजा कौन था, इसके बारे में जो भी सूचना है हमें सबसे पहले इसके बारे में जानना जरूरी है। एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, हु रीड्स ऑफ हिम, जो कोई भी उसके बारे में कुछ पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस, उसे अनुभव प्राप्त होगा, द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन, एक प्राकृतिक इच्छा जो एक व्यक्ति को मिलती है, ऑफ हिज आइडोमिटेबल करेज, अपने अदम्य, ये जो आइडोमिटेबल है इसका मतलब होता है अदम्य, और करेज यानी होता है साहस, यानी कि जो भी इसके बारे में, बाघ राजा के बारे में पढ़ेगा उसे इसके बारे में अदम्य साहस की जानकारी मिलेगी, फेस टू फेस, सामने देखने के लिए। बट देयर इज नो चांस, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मौका नहीं है, ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन उसको, उस इच्छा को पूरा करने की यहाँ पे कोई पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है। एज भारत सेड टू रामा, जैसे कि भरत ने राम से कहा था अबाउट दशरथ, दशरथ के बारे में, द टाइगर किंग हैज रीच्ड, कि जो बाघ राजा है वह पहुंच चुका है, दैट फाइनल अबोड, उस अपने अंतिम अबोड,
अबोड का मतलब होता है, अबोड का मतलब होता है स्थान। अपने उस निवास स्थान की तरफ अंतिम रूप से वह पहुंच चुका है। ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, जहां पे अन्य जीवित प्राणी मरने के बाद जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में द टाइगर किंग इज डेड। यदि दूसरे शब्दों में देखा जाए तो इसका अर्थ होगा कि टाइगर किंग जो है वह मर चुका है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। द मैनर ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु का जो मामला है, इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है, इसका मतलब है असाधारण, और इंटरेस्ट का मतलब हुआ रुचि, कि उसकी ये जो मृत्यु का मामला है यह एक असाधारण रुचि का है। इट कैन बी रिवेल्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, यह केवल तब ही बताया जा सकता है जब इस कहानी का अंत हो। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वाज दैट, उसके बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि एज सून एज ही वाज बोर्न, की जैसे ही उसका जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स, ये जो एस्ट्रोलॉजर दिया गया है इसका मतलब है भविष्य ज्ञाता, यानी कि भविष्य ज्ञाताओं ने हैड फोर टोल्ड, भविष्य ज्ञाताओं ने यह भविष्यवाणी की थी। फोर टोल्ड इसका मतलब होता है भविष्यवाणी, यानी द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डेमाइज वाज दैट, उसकी जन्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एज सून एज ही वाज बोर्न, जैसे ही उसका जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोर टोल्ड, सभी ज्योतिषियों ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी, दैट कि वन डे द टाइगर किंग, एक दिन यह बाघ राजा वुड एक्चुअली हैव टू डाई, एक दिन यह बाघ राजा वास्तव में ही मारा जाएगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप, अब यह बच्चा बड़ा होने लगा, टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, और यह योद्धाओं का योद्धा बनने लगा। वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा। हीरो ऑफ हीरोज, यह नायकों का नायक बन गया। चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का विजेता बन गया। बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोव्ड हार्ड, लेकिन वो अपने होठों को बोलने से बंद नहीं कर सके और उन्होंने यह कटु बात कह दी। When compelled to continue, जब ऐसा लगातार चलता रहा, the astrologers came out with it, तो सारे भविष्य ज्ञाता इसी बात के साथ आगे आए। This is a secret, यह एक रहस्य है, which should not be revealed at all, जिसे कभी भी बताया नहीं जाना चाहिए। And और yet we are forced to speak out, चाहे हमें इस सीक्रेट को बताने के लिए कितना भी दबाया जाए, लेकिन हमें ये सीक्रेट बताना नहीं है। सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य, तो हमें ये रहस्य बताना नहीं है। उन सभी ज्योतिषियों ने आपस में मिलकर बात की। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, और यह बच्चा जो है इसी बात के अंदर पैदा हुआ, विल वन डे, जो कि एक दिन, हैव टू मीट इट्स डेथ, और एक दिन उसे अपनी मृत्यु से ही मिलना पड़ा। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने आज की वीडियो में आपको एक पेज पढ़ा दिया है, इसका हिंदी अनुवाद करवा दिया है। मैं जहाँ तक समझती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।